अभी हमने कुछ दिन पहले पीतल और तांबे के बर्तन साफ किए थे, आपने देखे होंगे, और बहुत सारी डिमांड आई है कि चांदी के बर्तन कैसे साफ हों। तो चांदी के बर्तन भी हमें साफ करने चाहिए, और अक्सर हम लोग ये सारे काम दिवाली के आसपास ही करते हैं, और ये पूजा में यूज़ होते हैं। अगर पूजा में नहीं भी यूज़ होते तो हम सफाई के तौर पर साल में एक आध बार साफ करते हैं। तो आप घर में ईजी तरीके से ना चांदी के बर्तन साफ कर सकते हो, बहुत ही सेफली, बिना किसी टेंशन के। तो आज मैं बर्तन ऐसे साफ करके दिखाऊंगी बिल्कुल मिनटों में कि आप कहेंगे कि ये नए हैं, ये हो ही नहीं सकता आपने पॉलिश किए हैं। ये देखिए, ये कटोरा सेम ऐसा ही था, और इसकी आप देखिए कंडीशन कितना सुंदर लग रहा है। ये ग्लास बिल्कुल ऐसा ही था जो मैंने साफ करके रखा हुआ। ये सारे बर्तन मैंने साफ करके रखे हैं और ये बहुत ही चमक रहे हैं। ये देखिए इसमें और इसमें फर्क दिख रहा होगा आपको। तो ये बहुत ही क्लीन हो जाएंगे, बहुत ही जल्दी हो जाएंगे। तो अभी हम क्लीन करना इनको शुरू करते हैं। एक चीज़ मैं और बताने वाली हूँ, ये बर्तन हम साफ तो कर रहे हैं पर इसमें शाइन भी आए, वो कैसे हो। दूसरी चीज़, इस बर्तन को काफ़ी समय तक हम इसी तरीके से चमकता हुआ रखें। तो ये वीडियो आप पूरा एंड तक देखें, तभी ये सारे ट्रिक्स आप देख पाएंगे कि कैसे हम इसका रख रखाव करें और कैसे हम इन बर्तनों को लॉन्ग टाइम तक ऐसे चमकता रखें। सबसे पहले मैंने एक बर्तन रखा है बड़ा सा, जिसमें मैंने पानी रख दिया, नॉर्मल पानी। यहाँ पर आप क्या कीजिए, बर्तन के अंदर सिल्वर फॉइल जो हमारे घर में होता है उसको आप डाल दीजिए इस तरीके से। अब इस बर्तन में आप डालेंगे करीब 2 चम्मच बेकिंग सोडा, जिसको मीठा सोडा भी कहते हैं, किचन में हमारे अक्सर होती ही है, हर घर में होती है। हमने लास्ट टाइम टमाटर यूज़ किए थे, टमाटर भी आप आराम से यूज़ कर सकते हो पीतल और तांबे के लिए, लेकिन इसमें आप बेकिंग सोडा डालें। ये हमने डाल दिया। इसमें डालूंगी मैं 1 चम्मच नमक, और ये जो मेथड है ये अपने बर्तनों के लिए है। मैंने कई ऐसी चीज़ें देखी हैं कि बहुत लोगों को ऐसा देखा है कि लक्ष्मी गणेश जिनकी हम पूजा करते हैं, जिन ठाकुर जी की हम पूजा करते हैं, उन ठाकुर जी की मूर्तियों को हम उबालने कैसे छोड़ देते हैं, ये मुझे बहुत बुरा लगता है। तो उन्हें साफ करने के लिए एक तरीका अलग है। जैसे हम घर में हमारे बच्चे आते हैं स्कूल से, बहुत ज़्यादा मैले से लगते हैं, कई बार धूप में खेल कर आते हैं, तो हम उन्हें वॉशिंग मशीन में तो नहीं डालते ना, उनको हम अच्छे से नहलाते हैं, साफ करते हैं। लेकिन ये क्या तरीका कि जिस पूजा, जिस लक्ष्मी गणेश की आप पूजा करते हो उसको आप उबलने में डाल देते हो, बहुत ही बुरा लगता है। और ये हम जब मार्केट में जब हम पॉलिश करवाते हैं तो वो लोग इसी तरीके से करते हैं, क्योंकि उन्हें ज़रा सा भी तरस नहीं आता, और हमें इतना अटैचमेंट हो जाता है ना भगवान से, तो हम उनको साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो उनका तरीका अलग होता है कि हम उन चीज़ों को कैसे साफ करें और इन जो घर के बर्तनों को हम कैसे साफ करें। अब हम इसमें डाल रहे हैं जो जो बर्तन इसमें आ सकते हैं, जैसे ये छोटी थाली आ सकती है, ये ग्लास आ सकते हैं, ये लोटी, ये चम्मच, छोटा ग्लास, और ये बच्चे का झुंझुना। इन बर्तनों को आप इसमें डाल दीजिए और सिर्फ 2 या 3 मिनट तक इसे उबालने दीजिए। ये थाली जो बहुत बड़ी है इसे मैं अलग तरीके से करके बताऊंगी, क्योंकि ये इसमें नहीं आ पाएगी। ये काफ़ी अच्छे से उबलने लग गया है। अब हम गैस बंद कर देते हैं और इन बर्तनों को थोड़ी देर के लिए इसी में ही रहने देते हैं। अभी ये एकदम से साफ नहीं होंगे, मैं आपको बताऊँगी इसके साथ हमें क्या करना है। इसको 2-4 मिनट 5 मिनट जब तक इसी में ही पड़े रहने। अब ये देखिए इन बर्तनों को हम निकाल देते हैं। अब जो ये पानी है, अगर आपके पास बड़े बर्तन हैं और दूसरे बर्तन हैं तो इसी पानी में आप और भी बर्तन डाल सकते हैं। अब ये काफ़ी बर्तन थोड़े गरम गरम से हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर लेना है हमें कोलगेट पाउडर।
ये हर दुकान पे आपको मिल जाएगा इजी तरीके से। हल्का सा इस बर्तन को गीला कर लीजिए। अब इसके ऊपर लगाइए ये कॉलगेट का पाउडर। इस वीडियो को आप बिल्कुल इसी तरीके से देखिए, जैसे हम नॉर्मल बर्तन मांजते हैं उस तरीके से हमें इस पाउडर को ले लेके इसके ऊपर डालना है। ये मैं बिल्कुल भी एडिट पे नहीं कर रही हूँ, आप ये देखेंगे पूरा ही आपको ये दिखेगा। जहाँ भी आपको लगे कि ये थोड़ा ज़्यादा ख़राब है, थोड़ा सा पाउडर और लीजिए और इसे इस तरीके से साफ कीजिए। ये देखिए, ये पूजा की लोटी ऐसे लगेगी आपको जैसे आपने अभी खरीदी है। ये देखिए, ये देखिए, अभी भी इसमें कुछ थोड़े से दाग हैं, जैसे यहाँ पर, तो यहाँ पर दाग है तो हम यहाँ पर थोड़ा ब्रश मार सकते हैं। हम लोग पूजा वगैरह जब करते हैं ना तब उस समय तो हम चमकाते हैं, लेकिन जब पूजा हो जाती है तब हम उठा के बस पोंछ के रख देते हैं, तब हम केयरफुली नहीं रखते, उसकी वजह से कुछ दाग जो होते हैं ना वो हमेशा के लिए रह जाते हैं। पुराने ज़माने में जैसे साफ करते थे ना बर्तन, तो बस उस तरीके से आपको इसको साफ करना है। इस लोटी को हम यहाँ रखते हैं, इसके बाद हमें क्या करना है वो मैं अभी आपको बता रही हूँ। अभी इनको हम सबको साफ करके यहाँ पर रखते जाएंगे। ये देखिए, गीला नहीं हो तो इसे इसी पानी में हल्का सा आपको गीला करना पड़ेगा। कॉलगेट पाउडर बहुत सस्ता है, हमारे चांदी के बर्तन साफ करने से तो बहुत ही बढ़िया है, इजी तरीका है। सारी चीज़ें घर की हैं, आपको ईजीली मिल जाएंगी। हम बाहर जाते हैं बहुत दिक्कत आती है, बहुत नखरे दिखाते हैं ज्वेलर, जब कभी हमें ये ग्लास पड़े होते हैं किसी को गिफ्ट करनी है, बहुत परेशान होते हैं उस वक्त। ये देखिए, एक्स्ट्रा शाइन आ जाएगी बिल्कुल आपके बर्तनों में, जैसे आपने अब भी खरीदा है। आपने देखा ग्लास में फर्क लग रहा है, ये देखिए, अभी तो इसमें पूरा गंदा काला लगा हुआ है, अभी तो और चमकेगा ये बर्तन। इसी तरीके से इसे अंदर भी लीजिए और अंदर भी साफ कीजिए। अब हम करेंगे इस थाली को साफ। चांदी के बर्तनों पर स्क्रैच भी बहुत ज़्यादा आते हैं क्योंकि बहुत हल्के होते हैं, हल्की धातु है, बहुत पीतल और तांबे में बहुत फर्क है, तो इसे हमें बहुत ही हल्के तरीके से ही करना है। ब्रश भी बहुत ज़्यादा नहीं मार सकते, जब तक उसमें डिज़ाइन हो तो ठीक है, वरना आप ब्रश भी बहुत कम मारें क्योंकि उससे भी ना लाइनिंग आ जाती है। अब इसको पहले कपड़े से पोंछना पड़ेगा, गीला लग रहा है, इसे हम थोड़ा सा पोंछ लेते हैं। ये जो साफ़ हुई है ना, इसमें साफ़ तो हुई है पर शाइन नहीं है, शाइन तब होगी जब आप इसमें सूखा थोड़ा सा पाउडर मारें। ये सूखा पाउडर बहुत ज़रूरी है, इसी से ही इस थाली की या जो भी बर्तनों की शाइनिंग आएगी। अब देखिए, ये अब ऐसा शाइन आ गया,
ये शाइन तभी आया है जब हमने ड्राई पाउडर से इसको साफ किया। अब ये सारा क्लीन करती हूँ ये पहले, फिर आपको बताती हूँ कि इनके साथ अब हमें क्या करना है। अभी हमारे जो बर्तन हैं पाउडर से हमने साफ किए हैं, अब एक एक बर्तन को हम एक कपड़े से साफ करेंगे। नॉर्मल कोई भी कॉटन का कपड़ा ले लीजिए और उससे इसको रगड़ लीजिए। तो इसमें एक्स्ट्रा शाइन आएगी। जो पाउडर का जो सब था, सोडा का पाउडर का जो भी था पार्ट इसमें लगा हुआ, वो सारा साफ करना है। और साफ आप बहुत अच्छे से कीजिए, इसे अंदर से भी साफ कर लीजिए, ये इस तरीके से। इसी तरीके से इन गिलासों को भी आप अच्छे से साफ कर लीजिए। जैसे जैसे साफ करेंगे इसका सब पाउडर हटेगा और ये एक्स्ट्रा शाइन इसमें आ जाएगी। ये देखिए, ये जो बच्चों का होता है, छोटे बच्चों का खेलने वाला, ये बहुत पुराना है, करीब 25 साल पुराना है। ये देखिए अब ये बिल्कुल वैसे ही चमकने लग गया, बल्कि इससे भी ज़्यादा ये चमक रहा है। वो पुराने और नए पर फर्क पड़ता है। अब इससे भी हम पोंछ लेते हैं। इसी तरीके से इस थाली को भी और चमकाना है तो हमें इसे कपड़े से अच्छे से पोंछना होगा, ये इस तरीके से। दूसरा तरीका ये है, ये नॉर्मल आप ले लीजिए और इसे आप सिर्फ इस पानी में चाहें तो डिप करें, या नॉर्मल गर्म पानी में आप डिप कीजिए। डिप करने के बाद इसे सूखे पाउडर से साफ कर लीजिए, जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ कि ठाकुर जी कैसे साफ करते हैं, वो इस तरीके से। आप नॉर्मल सादे पानी से उन्हें भिगोकर और ये पाउडर से सिर्फ साफ कर लीजिए। अब अक्सर हमारे ठाकुर जी में क्या होता है, यहाँ पर जैसे कहीं नाक नक्श उनके जो बने हुए होते हैं वो साफ कैसे हों, वो उनके लिए फिर आप साफ ब्रश लीजिए और हल्के से इस तरीके से साफ कर लीजिए, जैसे ब्रश लगाते हैं हम थोड़ा सा। बस ये देखिए कितना क्लीन होता चला जा रहा है, उसका डिज़ाइन भी साफ दिखने लग रहा है। इसी तरीके से आप कुछ ऐसी चीज़ों को साफ कर सकते हैं जिन्हें हम नहीं उबाल सकते। अब इसे भी आप कपड़े से पोंछ लीजिए। ये देखिए, ये भी आपकी बढ़िया चमक गई है। और इसकी डिज़ाइन जो होती है ना, डिज़ाइन में बिल्कुल भी पाउडर नहीं भरा हुआ होना चाहिए। और इसे इस तरीके से साफ हो गई है। अब इसे हम रखें कैसे ये लॉन्ग टाइम तक, ये मैं अभी बताऊंगी। इससे पहले मैं आपके साथ एक बात और शेयर करूंगी। जैसे ही मैंने एक थाली बचा के रखी है, अक्सर वैसे तो हमारे पास ये दो तरीके हैं साफ़ करने के। इन केस आपको कोई ऐसा सामान साफ़ करना है जिसे आप घर में नहीं करना चाह रहे, आप कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं कि वो हमें सॉल्यूशन से साफ करना है जैसे मार्केट में होता है, तो उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ, उसकी लिंक भी बता रही हूँ कि वो आपको 200-250 रुपये में आपको अमेजोन पे या किसी कहीं से भी आपको मिल जाएगी। वो एक सिल्वर डिप के नाम से आता है, उसे आप कैसे साफ करें मैं आपको करके दिखा रही हूँ। इंस्टेंट सिल्वर क्लीनर, तो ये सिल्वर डिप के नाम से आता है, ये ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा, हो सकता है किसी चांदी की शॉप पे मिल जाए या कहीं भी मिल जाए, आप आराम से इसे खरीद सकते हैं। ये 200-250 का होता है और इसे हम कैसे साफ करें वो मैं आपको बता देती हूँ। पर मुझे तो इससे ज़्यादा पर्सनली वो घर के तरीके बहुत पसंद आते हैं जो बहुत ही ईजी तरीके से हो जाते हैं। अब ये थाली बहुत पुरानी है, हो सकता है बहुत ज़्यादा साफ ना हो, क्योंकि कम से कम 50-60 साल पुरानी है। ये एक कॉटन ले लीजिए और इसमें इस सॉल्यूशन में डिप कीजिए। ये इस तरीके से इस जाली में से आपको थोड़ा सा लाना है और ये यहाँ पर लीजिए। अब इसे बंद कर दीजिए और इसे इस थाली से ऐसे रगड़ दीजिए। किसी भी चीज़ को आप साफ कर सकते हो, पर मैं ठाकुर जी के लिए फिर भी मना करूँगी कि आप इससे भी मत कीजिए। ठाकुर जी के लिए सिर्फ और सिर्फ कॉलगेट पाउडर से ही आपके लिए बेस्ट है। ये देखिए इसका कितना कालापन है।
अब मैं आपको इसका बैक साइड दिखाती हूँ। ये हमारी पूजा की थाली है, बहुत पुरानी थाली है, बहुत पुरानी, पर अभी भी हमारी पूजा इसी थाली में ही होती है। ये देखिए, ये साफ करने के बाद आपको इसको पानी से एक बार वॉश करना है। ये देखिए, इसे भी आप चाहें तो एक बार, अगर कहीं आपको लगे कि थोड़ी शाइन कम है तो आप कॉलगेट पाउडर वापस इसमें डाल सकते हैं, और नहीं तो फिर बस ऐसे ही आप कपड़े से पोंछ के रख सकते हैं। एक बार थोड़ा सा और कॉलगेट पाउडर डालती हूँ, क्योंकि मुझे तसल्ली नहीं मिलती जब तक मैं, इससे शाइन आनी चाहिए वो बहुत जरूरी है। ये देखिए, फाइनली ये थाली की क्या हालत हो गई थी और ये कितनी चमक चुकी है। और ये सॉल्यूशन के लिए बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको मैंने इतने सारे बर्तन साफ़ करके दिखाए हैं, ये सब इसी नॉर्मल मेथड से है। और बाकी ये है कि ये कॉलगेट पाउडर इतना महंगा क्यों, ये क्यों, टमाटर इतने महंगे क्यों, ये तो गलत है। हम जब इतने बर्तनों को साफ़ कर रहे हैं तो ये चीज़ें तो हमें लगेंगी, और कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आज के ज़माने में अगर आपने ज़रा सा पाउडर यूज़ किया तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। टमाटर यूज़ किए, आपके घर में इतनी साफ़ सफाई हो गई और बर्तन इतने चमकने लगे, तो उससे इतनी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है घर में। जब कोई साफ़ सफाई होती है तो कितना अच्छा लगता है ना। तो उस टाइम हम ये टमाटर और ये कुछ नहीं गिनते कि हमारी मेहनत क्या है। तो ये बहुत ही बढ़िया सुंदर से बर्तन हो गए, अब पूजा के लायक हो गए। ये देखिए, किसी को देने के, गिफ्ट करने के लायक हैं बर्तन। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं बर्तन। आपके बर्तन रोज़ यूज़ में हैं, उन्हें आप मत कीजिए, पर जो बर्तन आप कभी कभी निकालते हो, 6 महीने बाद, 12 महीने बाद निकालते हो, सिर्फ दिवाली की पूजा के लिए निकालते हो, उन बर्तनों को आप क्या करेंगे, इस तरीके से एक ऐसे पैकिंग वाली जो पन्नियाँ होती हैं वो ले लीजिए और उसे आप पैक कर दीजिए। जब इसमें बाहर की हवा नहीं लगेगी, मॉइस्चर नहीं जाएगा बर्तन पर, कभी भी बर्तन काला नहीं करेगा। तरीके से आप बर्तन रखेंगे ना पैक करके, कभी भी काला नहीं पड़ेगा। ये मेरे पास 2.5 साल से ग्लास इसी तरीके से पैक पड़ा हुआ है और ये बिल्कुल भी इसमें कोई फर्क नहीं आया, क्योंकि ये पैक्ड है। पन्नी से आप एक तरीके से पैक करके रखिए और सूखा पोंछ के रखिए, जरा सा भी उसमें पानी का एक सिंगल ड्रॉप भी नहीं होना चाहिए, पूरा सूखा होना चाहिए। कपड़े से बार बार पोंछ लीजिए, उसके बाद इसे पैक कर दीजिए। ये देखिए, आप जब ऐसे किसी को गिफ्ट दोगे ना, आपको बिल्कुल जाने की ज़रूरत नहीं मार्केट से पॉलिश करवाने की, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती हैं। हमें ले जाने में बहुत बड़ी रिस्क लगती है, इतने सारे बर्तन कैसे ले जाएं ज्वेलर के पास और फिर उनके नखरे सो। तो बहुत ही बढ़िया तरीका है ये आपका, किसी को भी आप गिफ्ट करोगे, ये आपका पुराना लोटा है, आप कभी नहीं कह पाओगे कि ये पुराना है। अगर इस तरीके से केयरफुली रखोगे चांदी के बर्तनों को तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी न करें।